देश के तिजोरी में पैसा भर्ती क्यों नहीं कर रहे थे? एक साधारण व्यक्ति तो इनकम टैक्स देता है, मगर गांधी परिवार इस प्रकार से हमने नेशनल हेराल्ड केस में भी देखा और अब रॉबर्ट वाड्रा के केस में देख रहे हैं कि इनकम टैक्स की चोरी कर रहे थे। राहुल गांधी जी का इस पर क्या कहना है? और राहुल गांधी जी से एक और सवाल है, ब्लू ब्रीजा कंपनी, ब्लू ब्रीजा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है और इस ब्लू ब्रीजर कंपनी ने बकाया डीएलएफ से पैसे लेकर जमीन खरीदने का काम किया है, बकाया डीएलएफ से पैसे लेकर जमीन खरीदने का काम किया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कंपनी के पहले डायरेक्टर, ब्लू ब्रीजर कंपनी के डायरेक्टर राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी 2008 में थे। उसके पश्चात प्रियंका गांधी जी एग्जिट करती है और उसके डायरेक्टर बनते हैं कृष्णन श्रीनिवासन। उस समय उनके नाम के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई थी क्योंकि वो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे, गांधी परिवार को हेल्प कर रहे थे। और जैसे 25 करोड़ का हमने एक वर्ष का डाटा बताया है, अनेकों वर्ष इस प्रकार पैसे बचाने का, पैसे को इधर उधर करने का, पैसे को लेकर गांधी परिवार तक कैसे पहुंचाया जाए, वही नेशनल हेराल्ड वाला जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल काम कर रहा था। आज अचानक उनका नाम महत्वपूर्ण इसलिए बनता है क्योंकि राहुल गांधी जी ने कुछ दिनों पहले श्रीनिवास कृष्णन नाम इस व्यक्ति को, कृष्णा श्रीनिवासन नाम इस व्यक्ति को AICC सेक्रेटरी बनाया और सेक्रेटरी बनाने के पश्चात इन्हें तेलंगाना का इंचार्ज बनाया है। तो ये जो क्विड प्रो को है कि आप पहले गांधी परिवार के लिए गोरख धंधे करें और उसके पश्चात आपको हम कांग्रेस में भी सम्मिलित करके प्रमोशन देंगे, इसके विषय में राहुल गांधी जी का क्या कहना है? वाड्रा इज कंसर्न, जहां तक वाड्रा जी का संबंध है, रॉबर्ट वाड्रा पे अभी कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स द्वारा 25.8 करोड़ रुपए जो उनका बकाया था, जो उन्होंने छुपाया था 2010 और 2011 के असेसमेंट में, उसे देने की बात की गई है। इनकम टैक्स ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा ये पैसा डिपॉजिट करे और उनकी जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उस कंपनी ने बकाया एक षड्यंत्र के अंतर्गत इस इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया था, इसे छुपा के रखा था। और आप जो 25 पन्ने का इनकम टैक्स रिपोर्ट है जो कि मीडिया के पास भी अवेलेबल है और मीडिया के माध्यम से हमने उसको पढ़ा है, उसमें कुछ 7 और 8 बिंदु ऐसे हैं कि किस प्रकार से इलीगैलिटी में संलिप्त थे रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी। मैं बड़े संक्षेप में उनका नाम रखता हूं कि क्या क्या इलीगैलिटी थी। अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज ऑफ इनकम, बाइंग स्प्री विदाउट हिज कंपनी शोइंग एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अर्थात रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी के पास पैसा और वित्त तो नहीं था, धन नहीं था, मगर फिर भी खरीदारी चल रही थी। अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड द स्केल ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम वॉज ह्यूज, जो इनकम था, जो आय था, वो अनडिस्क्लोज्ड ही नहीं था, बहुत बड़े तादाद। 16 की चिट्ठी है ये 15 अप्रैल की और उसमें विजय माल्या जी 2-3 चीजें बताते हैं। वो बताते हैं कि मोस्ट अनफॉर्चुनेटली Noting I have stated above is either understood, appreciated or brought into public domain by media, कि किसी भी कीमत पर इसे public domain पे नहीं लाया गया, आप लाइए। और सबसे बड़ी बात जो आज के अखबारों में भी छपी है, I have become the poster boy of all bank defaults, वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं poster boy बन गया हूं bank defaults का और मैं public anger का poster boy बन गया। Mr. Vijay Mallya has traveled a long way from the king of good times during the UPA era to becoming the poster boy of bank default and corruption. Of course, this is the distinction between the UPA dispensation and the NDA dispensation. UPA ke samay wo dusron ki poster chhapte the, UPA ke samay wo dusron ka calendar chhapte the, and he said that I am king of good times. Aur aaj unka khud ka poster chhapa hua hai